वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। लेक्चर नंबर 3 है हमारा आज। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था एक्स प्लस वाई रेस्ट पावर एन, ये किसके बराबर है? एक्स रेस्ट पावर एन प्लस एन इंटू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन वाई रेस्ट पावर वन। ठीक है, तो आज सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर एन। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है बाय एबिनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो सपोज मेरे पास ये है वो कोई इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं कहूँगा ये जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या ही, ये स्मॉल चेंजेस इन वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली, तब हमारे पास क्या आएगा? वाई प्लस डेल्टा वाई किसके बराबर? एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेस्ट पावर एन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तब हमारे पास क्या आएगा? वाई प्लस डेल्टा वाई, इसको करना है माइनस वाई, तो राइट साइड क्या आएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेस्ट पावर एन, माइनस करना है एक्स रेस्ट पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डेल्टा वाई किसके बराबर? एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेस्ट पावर एन माइनस एक्स रेस्ट पावर एन। तो यहाँ पे देखो, हमने जब किया था एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर के लिए किया था, जब वाई इक्वल एक्स स्क्वायर था, तो हम वाई इक्वल एक्स क्यूब के लिए भी कर सकते हैं, एक्स रेस्ट पावर फाइव कोई भी नंबर हो। तो हम जनरल केस कर रहे हैं इस टाइम। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम इसको जैसे यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्लाई करेंगे इस टर्म को। ठीक है, एक्स प्लस वाई होल रेस्ट पावर एन, तो यहाँ पे डेल्टा वाई, तो पहली टर्म क्या आएगी? एक्स रेस्ट पावर एन प्लस एन इंटू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन। पावर घटता जाएगा इसका, इसका पावर आएगा एक्स डेल्टा एक्स रेस्ट पावर वन। तो तीसरी टर्म प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू, यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो तीसरी टर्म क्या आएगी? एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम बाकी टर्मों को ऐसे लिखेंगे, तो लास्ट पे क्या आएगी? प्लस डेल्टा एक्स रेस्ट पावर एन। ठीक है, लास्ट पे हमें ये बचेगा। बाइनोमियल फिर से चेक करें, फिर हमारे पास है माइनस एक्स रेस्ट पावर एन। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, फिर माइनस एक्स रेस्ट पावर एन, तो ब्रैकेट हटाएंगे और आप देखोगे ये टर्म और ये टर्म, एक प्लस है एक माइनस, एक कैंसिल आउट हो जाएगी। तब हमारे पास डेल्टा वाई किसके बराबर आएगी? एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन डेल्टा एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब हम करेंगे डेल्टा एक्स को डिवाइड दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे भी डिवाइड करो ऑफ डेल्टा एक्स, तो हमारे पास पहली टर्म बच गया एन इंटू एक्स रेस पावर एन माइनस वन, तो दूसरी टर्म क्या आएगी? प्लस एन इंटू एन माइनस वन टू फैक्टोरियल एक्स रेस पावर एन माइनस टू, यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर था, एक ही टर्म रहेगी। और जो भी टर्म्स यहाँ पे हैं उनमें डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा एक्स क्यूब, डेल्टा एक्स फोर डिग्री, तो उनमें से जब डेल्टा एक्स काटेंगे तो हर टर्म में एक डेल्टा एक्स स्क्वायर बचेगा, क्यूब बचेगा एंड सो ऑन। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जाना है लिमिट्स पे। ठीक है, तो लिमिट्स के लिए हमें क्यों जाना पड़ा? तो ये आपने लेक्चर सेकंड में देखा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे अप्लाइंग लिमिट्स। क्या लिमिट है हमारे पास? डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, इट्स वेरी वेरी स्मॉल एंड इट इज़ गोइंग टू जीरो। तो हम अप्लाई करेंगे अप्लाइंग लिमिट्स। क्या लिमिट है हमारे पास? डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, इट्स वेरी वेरी स्मॉल एंड इट इज गोइंग टू जीरो। तो हमारे पास आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्लाइज गोज टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तब हमारे पास राइट साइड में क्या है? एन इंटू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू,
delta x plus so on. तो by definition आप बताओ ये किसके बराबर है, ये है dy वाई बाई डी एक्स, तब हमारे पास ये है dy वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल। अब हम हर टर्म में क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को पुट करेंगे जीरो, तो पहली टर्म यहाँ पे डेल्टा एक्स है नहीं, तो हमारे पास बच गया है n इंटू एक्स रेस पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स है, तो दूसरी जो इस जो तीसरी टर्म होगी वहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर है, और एक टर्म होगी डेल्टा एक्स क्यूब एंड सो ऑन। हर टर्म में डेल्टा एक्स जिसमें भी होगा वो सारे के सारे क्या है नहीं, उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, जीरो नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म बच गई। तब हमारे पास वाई रेस वाई डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ गया एन इंटू एक्स रेस पावर एन माइनस वन। सो अगर हमारे पास वाई इज इक्वल एक्स रेस पावर एन है तो उसकी डिफरेंशिएशन आ गई डी वाई बाई डी एक्स इज एन टाइम्स एक्स रेस पावर एन माइनस वन, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास थी वाई इज इक्वल एक्स सपोज एक्स स्क्वेयर, तब हमें डिफरेंशिएशन किसके बराबर आ गई, तब हमारे डिफरेंस टू इंट एक्स रेस पावर वन, ठीक है, तो हम ऐसे ही लिखें टू माइनस वन। अगर वाई इज इक्वल टू एक्स रेस पावर टेन होगा तो डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगी, तो नोट करो पैटर्न, यहाँ पे पावर है और एक्स का पावर है, उसको सब्ट्रैक्ट वन करेंगे तो ये आएगा टेन एक्स रेस पावर नाइन, ये आएगा टू एक्स, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर n, n कोई भी नंबर हो तो हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट एब निशियो मेथड। उसके लिए जनरल फार्मूला ये है dy बाई डी एक्स इज n इंटू एक्स रेस्ट पावर n माइनस वन, पावर इंटू जो x का वेरिएबल जो है उसका पावर को सब्ट्रैक्ट वन करना है। तो अगर हमारे पास सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर वन है तो बताओ डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगी, तब हमने देखा पावर यहाँ पे वन है, एक्स रेस्ट पावर वन माइनस वन, तब वन इंटू एक्स रेस पावर जीरो, तो वन के बराबर है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस पावर वन क्या है, वन। हाँ अगर कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है यहाँ पे ए, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल ए एक्स रेस पावर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इसका कोफिशेंट ए है, इसका जो डिग्री है वो जीरो है, तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स रेस्ट पावर जीरो, ए कॉन्स्टेंट है इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, वेरिएबल की होती है, तब ये आप अप्लाई करो तो क्या आएगा ए इंटू जीरो एक्स रेस्ट पावर जीरो माइनस वन, ये सारा क्या बन जाएगा जीरो, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर जो कॉन्स्टेंट होगा उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी जीरो। सपोज हमारे पास है माइनस थ्री ओवर फिफ्टीन, अगर इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है तो ये सीधा जीरो आएगा वाई वाई डी एक्स एन इंटू एक्स रेस पावर एन, जब वाई इज इक्वल टू एक्स रेस पावर एन है, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। इसका मतलब ये हो गया अगर हमारे पास कोई भी सपोज हमारे पास है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं किस तरह डिफरेंशिएट करूँगा, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो यहाँ पे लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई या चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कहा है आपको पहले ही लेक्चर में डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर होता है, सपोज इस ऑपरेटर को कैसे लिखूँ मैं कैपिटल डी से, डी ऑफ वाई यानी ये ऑपरेट y पे कर रहा है, d ऑफ y किसके बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो ये ऑपरेट जब होगा तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, तीन, तो ये हर टर्म को ऑपरेट होगा, d ऑफ ए एक्स स्क्वायर को भी होगा, d ऑफ बी एक्स को भी होगा, d ऑफ c को भी होगा, बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सम कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एस सी। अब यहाँ पे देखो अब हमारे पास आ गया ये वेरिएबल है और यहाँ पे इसका कोफिशियंट है ए, जब इनके प्रोडक्ट होगा या डिवीजन में होगा तब हम इसको बाहर निकालते हैं इस ऑपरेटर से, तो हम इसको ए बाहर निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रिस्ट एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये डिवाइड होगा फिर ये वापस आएगा,
इससे हमें छेड़ना नहीं है। प्लस यहाँ पे भी है b क्या है, मल्टीपल है, यानी कोफिशेंट है x का, इसको बाहर निकालेंगे तो डिफरेंशिएट हमें वेरिएबल को करना है। प्लस ये डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास आ गया a, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर किसके बराबर आएगा, यह आएगा पावर, इस वेरिएबल को पावर एक सब्ट्रैक्ट करना है तो x रेज़ पर 1 आएगा, प्लस b, इसका पावर ऑलरेडी क्या है 1, तो 1 x रेज़ पर 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ठीक है। तब हमारे पास आ गया 2ax प्लस बी ओनली बी, x रेज़ पर 0 इज 1, ये हो गई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास सपोज ये है एक इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग करेंगे इनको, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5/4x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3/7x², ठीक है। तो फिर से आप यहाँ देखो, माइनस 5/4x² है ना, ये x² की वेरिएबल है, इसका कोफिशियंट है माइनस 5/4, इसको हमें बाहर निकालना है तो डिफरेंशिएट हमें करना है x² को, प्लस 3/7 को बाहर निकालना है तो डिफरेंशिएट करना है x² को। तो यहाँ पे आएगा माइनस 5/4, तो यहाँ पे x² की डिफरेंशिएशन क्या आई, 4x³ है ना, प्लस 3/7, तो यहाँ पे आएगा 2x, तो हमारे पास आएगा आंसर माइनस 5x³, ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 6/7x। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा। केस है y = x + a² इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे, d बाई डी एक्स ऑफ y इज d बाई डी एक्स ऑफ x + a² तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पे पावर x का क्या है, इसको तो हमें पहले ऑपरेट ऐसे करना है कि a + b² आए। तो मैं दो मेथड भी इसको आपको दिखाऊंगा। पहला मेथड ये है कि आप इसको लिखोगे x² + 2ax + a², फिर आप डिफरेंशिएट करोगे अलग अलग, तो x² की डिफरेंशिएशन आएगी 2x, 2a कॉन्स्टेंट है, x की आएगी 1, a² कॉन्स्टेंट इसकी आएगी 0, तो ये हो गई इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन अगर पावर इससे ज़्यादा होगा 3, 4, 5, तब इस ये तो मेथड लेंथी हो गया। सपोज हमारे पास y = x + a² मैं जनरल मेथड बताऊंगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको, तो हम d बाई डी एक्स ऑफ इसको ऑपरेट करेंगे x + a² तब पहले ऑपरेशन होता है इसके पावर पर, ठीक है। तो पावर पे कैसे ऑपरेट होगा, पहले इसका पावर जो था n है, इसके डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका आएगा x + a² - 1, जैसे हम x² को कहते थे। लेकिन डिफरेंशिएशन जब मैंने किया, ऑपरेट जब मैंने किया, तब मैंने होल क्वांटिटी को किया, अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करनी है, इस पावर के अंदर कौन सी टर्म है x + a, तब हमारे पास आंसर आएगा n × x + a² - 1, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या करनी है, x को भी करनी है, a को भी करनी है, तब x की आएगी 1, a की आएगी 0, हमारे पास आएगा आंसर n × x + a² - 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास y = x + a² अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले पावर पे ऑपरेट करेंगे x + a, यहाँ पे क्या आएगा पावर 6 हो गया, लेकिन इसको फिर अंदर भी मॉडिफाई करना है, अंदर कौन सी क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं चेन रूल, क्या बोलते हैं चेन रूल, 7x + a² यहाँ पे x आएगा 1, ठीक है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y = 4x² + b³, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम, तो याद रखना है पहले हमें ऑपरेट करना है पावर को, तो यहाँ पे आएगा 3 4x² + b² आएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, पावर को ऑपरेट करना है, इस क्वांटिटी को ऐसे ही रखना है, फिर इसके बाद ऑपरेशन करना है इसके अंदर, जो पावर के अंदर जो भी टर्म है 4x² + b, इसके अंदर हमें ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे आएगी ये 3 4x² + b²
तो यहाँ पे आएगी अलग अलग डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमें करना है डिफरेंशिएशन ऑफ 4x² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट एक्स, इसको प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आएगी ये ऐसे ही टर्म आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है कोफिशेंट एक्स का, तो यह आएगा 4x² क्या आएगा 2x, ये कॉन्स्टेंट है इसका आएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया 8x, तो यहाँ पे आएगा 8x, हाँ सॉरी यहाँ पे आएगा 3 4x² प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 8x। फिर इसको मल्टीफाई करें 3 8 24 टाइम्स एक्स 4x² प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन आएगी। हाँ अगर हमारे पास है वाई इज ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होल क्यूब, कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो आपको याद रखना है कि पहले हमें पावर को ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे पावर 3 है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे पावर आएगा 2। इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करनी है, इसके अंदर जो भी टर्म्स हैं उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो इस टर्म को मल्टीप्लाई आएगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास क्या आएगी, तो हमारे पास आएगी इसकी डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने किया है अभी भी, तो इसका आएगा ax² ए कॉन्स्टेंट है, x² का 2, तो यह आएगा 2ax, x² का x प्लस बी कॉन्स्टेंट है, एक्स क्या आएगा 1, तो यहाँ पे बी सी कॉन्स्टेंट इसका आएगा 0। तब हमारे पास आंसर क्या आया, 3 × 2ax प्लस बी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, ऐसे भी या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x^n और x प्लस ए होल स्क्वायर n की डिफरेंशिएशन हमने आज सीखी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।